आज हम सुनेंगे कहानी एक नंबर की भूतिया पिक्चर, जिसमें भंटू कुकुर के भय की जगह चंट चंटोली का चाय फिट है। भूत के पीछे भूत, इसकी माँ की क्या बोल रहा है जय? अरे वो कल इस पिक्चर की माचू पिचू करके पैरू पैरू स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, वही याद आ गया। इस मूवी को देखने के बाद मेरी पिछवाड़ी मुथुआ गली के भुतुआ भूत की बस एक ही ख्वाहिश थी, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। आज से पहले इतनी भूतिया कहानी सुनाई जिसमें भालू के जमाटो के बाल लगाया फटी दूध का भूत, बिमल खाने वाला भेरन थातो वाला बिल्ला भूत, फटी गेंद का नेवला भूत, इन सब में कम से कम दो मिनट के लिए ही सही गोदाम का एक ना एक रोंगटा खड़ा होकर झनझना जाता था। पर आज जिस चिमकांड भूतिया मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुन के और देख के आपकी गोदाम का रोंगटा ही नहीं पूरी गोदाम झनझना जाएगी, क्योंकि इसे देख के एक बार को तो मेरी गेंद में अध कपारी की झनझनाहट आ ही गई थी और सर में खूनी बवासीर का अटैक। तो चलिए अपनी गोदाम में भूतिया झिंगुर झनझनाते हैं और शुरू करते हैं। ये किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक है, डरा रहे हो या उकसा रहे हो? और स्टार्टिंग में हेमंत बिरजे जैसे नाम है जो इस मूवी में है ही नहीं। फिल्म शुरू भी नहीं हुई और लोगों का चुप, अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में पतला लोटन कबूतर लज्जत पापड़ अपनी भारी माँ मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड हुलहुली के साथ रात में लॉन्ग ड्राइव पे निकला है। हम लोग कब पहुँचेंगे? जिसे भूत देखने की चूल उठी हुई है, मुझे भूत को देखना है। साथ में ही बुरी थूत का पर्सनल पिशाच बॉयफ्रेंड पाल तो रखा है, अब पराए भूत की थूत क्यों देखनी है? वहाँ भयानक आत्माएं भूत बनकर भटकती रहती है। और ये फिर ठीक था, इस पतले पिशाच को भूत में क्यों इंटरेस्ट है? हमने आपस में शर्त लगाई, अगर वहाँ भूत नहीं मिला जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। हाँ बाबा मुझे याद है। ओ तो ये भूत के बदले क्या बोल रहा है जय? अरे वो भूत के बदले चुग्गा लेना चाह रहा था अपने लोटन कबूतर के लिए। अगर कहीं भूत मिल गया तो मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें मुझे देना होगा। तुम जो मांगोगी जितना मांगोगी दूंगा, बल्कि उससे ज्यादा दूंगा। ज्यादा दूंगा? शक्ल बता रही है भाई शीघ्र पतन का मरीज है। जरा सी हलचल महसूस होते ही हद से हद दो सेकंड, इसके बाद इस कमजोरी के शिकार भाई को उठाने में ही चार आदमी लगते हैं। तो ये मूर्ख नर लंडू और बॉडम मदर हवेली के कमरे में पहुंचते हैं। देखा यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। जहाँ इसे हवासीर का अटैक आ जाता है। अब जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, एक जोरदार किस। कहा था ना दो सेकंड का मरीज, इससे ज्यादा कुछ और लेने की इसकी खुद की औकात नहीं। वही बाहर डर की माँ की भूत अपनी फटी दिवालिया गोदाम से दिवाली की फूलझड़ी चलाते हुए प्रकट होता है। बैंकॉक एंट्री में ही हक दिया, देख के ऐसा लग रहा है इस भोंदू भूत की गोदाम से बालों से भरी हवासीर का अटैक थूत तक आ गया। अबे भूत एक आधी फुलझड़ी और सुतली बम अपनी काली बालों से भरी गोदाम में फिट करके फिर से मर जा। यहाँ जैसे ही स्वपन दोषी पापड़ का बंदी की चुम्मी से दो सेकंड में पतन होता है, इसकी मियोनीज के साथ ही वहाँ डेढ़ फुट का भूतिया भूत बह के आ जाता है। ओहो हो इतना उधरा हुआ गरीब भूत मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैंकॉक फटी काली दरी लपेट के 2 रुपए का चौराड़े जैसा मास्क लगाए हुए नेवले का फटा हुआ टोपा, बैंकॉक नेवले ने से देखा होता तो कब का अपनी कब्ज का लट्ठा अपने गले तक के डाल के सुसाइड कर लेता। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। भूत भाई क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? क्या बोला तूने? अब हुलहुली की यही दिक्कत है, इसे जैसे ही कोई बालों से भरी काली भैरन चीज दिखती है, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? बैंकॉक भूत है पड़ोस के रमेश का मुकेश नहीं कि जब चाह हाथ लगाकर देख सकती हूँ। नहीं हमें मत मारो, हमारी शादी होने वाली, देखो एक्टिंग है। इतनी गंदी एक्टिंग, कतई बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड इसकी सूखी गोदाम में फिट कर देना चाहिए। हमें मत मारो। और बहन के घोड़े भूत ने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। अब ये भूतिया शरीर के कौन से अंग से आवाज निकल रही है? किसी प्यार करने वाले को नहीं छोड़ूंगी। और पता चलता है कि ये फीमेल भलुइन भूत है। अब ये गोरिल्ला की फटी सुपारी हुलहुली को उठाने जाती है, पर पीटर तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं पीटर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम यहाँ से जाओ। नहीं पीटर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब इतनी बकलंडी देख के ये हुलहुली की हुलहुल बंद कर देती है। मुझे भूत को देखना है। इसमें भलुआइन भूत का भी कोई कसूर नहीं, ऐसी बकलंडी औरत के लिए एक ही जगह है, नरक के उबलते तेल की कढ़ाई। और ये पतला लुज्जत पापड़ अपनी फटी पतंग उठा के भगता है, जहाँ इसकी डोरी ये गोरिल्ला छाप भूतनी पकड़ के काटने वाली होती है कि अरे माता चाचा ये स्पाइडर मैन के ग्रीन गोब्लिन के लाल सुपाड़े का मास्क पहने एक और भूत, और ये बैंकॉक सीवर से निकलते ही अपनी काली गेंद उठा के भगता है, और बैंकॉक दोनों भूत एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं।
22 चादर मौत की माँ की मैक्सी के नीचे पापा की पैंट और पड़ोसी के जूते दिख रहे हैं। बैंकॉक इनकी फाइट को अगर देख लिया होता तो गोरिल्ला कॉन्ग अपनी छाती पे खोद मुक्का मार के मर जाता और गॉडजिला चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डुबा के कि बैंकॉक नहीं रहना इस धरती पे, पाप है यहाँ रहना। और थोड़ी देर इस चोद गुथाई के बाद गुरिल्ली भूत गुलुल्ली वहाँ से भग जाती है और अब ये चादर मोद लाल गुबलिन के टेजो निकल जाते हैं और ये पतला पिसाच बैंकॉक भगने की बजाय इसका इंटरव्यू लेने लग जाता है। भाई किस बात पे रो रहे हो तुम? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पिक्चर शुरू में 5 मिनट भी नहीं हुए तो 50 बार बैंकॉक घुमाया। अरे भैया नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा। और पता चलता है कि ये भी लड़की ही है। कीड़ा भूत बनकर शंकरा मेरे बेटे अमर को मार देना चाहती है, इसलिए मैं हीरा के भूत का पीछा कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो मेकअप उतरने के बाद लड़कियों की असली थूत ऐसे ही निकलती है। और अब ये अपना फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ ये स्त्री लॉन्ली थेसी अंगोरी थी। ये तो कैसे बोल रहा है जय? वो देसी लोग ऐसा ही बात करता है। जय सिपोली नहीं पी जाती है। After 4 पर the cement of sin English only। अरे मातर चाक। खैर तो लोनली देसी अंगूरी जो लाल पेटीकोट साड़ी में कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ी और ठरकी लोमड़े काटने का काम करती थी, Bye, have a great time। वहाँ एक टकला सुपाड़ा अपनी हफ्सी थूत से इसके साथ भैरंड शायरी में बात करने आता है। अरे अंगूरी कब करेगी तो मेरी तमन्ना पूरी, हाथ लेके खड़ा कर छोटे को बड़ा कर। हंसा तो ऐसे है ये चादर मोज जैसे केंद्रीय विद्यालय की कविता पाठ में फर्स्ट आया है। और अंगूरी इस गंजे झोपड़ी लाल के दो काले मुनक्के और छोटा परवल तीनों काट देती है। अब अंगूरी का लफड़ा फटे पेटीकोट की शक्ल वाले हग्गन से चल रहा है। बहुत हो गया ये प्यार प्यार, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। जो कि यहाँ के अधेड़ ठगी ठाकुर खड़लुल्ला का नौकर है। तो अंगूरी से शादी करना चाहता है जी। तो बता कि उसके साथ सुहाग रात कौन मनाए? मैं तो सिर्फ शादी करूँगा। फटे कद्दू की शक्ल वाले ठाकुर खड़लुल्ला की अरे मेरा मतलब है हवस का मीटर हमेशा खड़ा रहता है। बहुत दिनों से मेरी नजर पड़ोस के गांव की एक लड़की के ऊपर है। इसके दो ही काम है, शहर से आए अपने चबूतरे दोस्तों के साथ दारू पीना, इसे कहते हैं छिपकली की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहाना, और कह कहे लगाकर शराब के सागर में डूब जाना। और गांव की लड़कियों पे हबकना, जिसे देखकर दरिया भी शर्मा जाए और सागर का पानी भी कम पड़ जाए। इस चादर मौत की भी गर्लफ्रेंड है मुरमुरी। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। जो इसकी सब असली हरकतें देख के भी इसे सेंधा नमक लगा के अपने मुरमुरे खिलाती रहती है। हमें भी खूबसूरत और हैंडसम लड़कों को देखकर रहने का दिल करता है, इसीलिए माफ करती हूँ। तो आ जाओ। ये तो वही हुलहुली है। भूत भाई क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? हाँ डायरेक्टर ने भी सोचा, एक कचरा देखने वालों को तो क्या ही पता चलेगा। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो आ जाओ। यहाँ ऐसे ही एक दिन कलोली रानी की गाय गुम हो जाती है। मेरी गाय गुम हो गई है, उसे तलाश करते करते यहाँ तक आई है। तो ये ढूंढने की बजाय इस हब्सी सांड के घर के पास बैठ जाती है। अब ये एक बार को तो इसे जाने बोल देता है। जाओ तलाश। और भौंदी कलोली को प्यास लग जाती है। कुल साहब थोड़ा पानी मिलेगा? और अब बस ये हब्सी कद्दू का हलवा कलोली को पानी पिला के कलोल कर देता है। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे धन्यवाद किस बात का रानी, जिसे देख कर दरिया भी शर्मा जाए और सागर का पानी भी कम पड़ जाए। अबे कौन है यार, क्या है यार? शाबाश। अब एंट्री होती है दूसरी स्त्री हीरा मेंडी की, जिसकी एंट्री में ही कार की बैक सीट से दो ठरकी चबूतरे निकलते हैं। कौन हो तुम लोग? हम आग हैं, तुमसे लिपट कर आग में जलाना चाहते हैं। और हीरा मेंडी इनकी गेंडी पे लात मार के भगा देती है। इसका भी एक बॉयफ्रेंड है गुलगुला कचोरी, जो बिच्छू की टी शर्ट पहने हीरा हीरा कर रहा होता है हीरा कि सांप इसकी करके चला जाता है। और हीरा मेंडी अपनी एक्सपीरियंस थूत से इसके गले में ब्लो जॉब दे के सारा जहर निकाल देती है। कैसा लग रहा है शंकर? मेरे बदन में हाक लगी थी, वो ठंडी हो गई। मेरे बदन में हाक लगी थी, वो ठंडी हो गई। अरे अरे भाई, जहर गर्दन से चूसा है। लव अबे क्या बके जा रहा है जय? अरे वो एक दूसरे को बहुत लव करते हैं ना।
मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हीरा जाके गुलगुले को काटने वाले सांप की माँ, अरे मेरा मतलब है, मामला आगे बढ़ाते हैं। अरे जय, ये कौन सा तरीका है सांप को मारने का? ये हर खड़े नाग सांप को ऐसे ही हिला के उसका जहर और जान दोनों निकाल देती है। जो कोई तुमको मुझसे छीनेगा मैं उसे मार डालूंगी। अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और को अपनाया तो मैं भी तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। तो कायदे से ये अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर की स्त्री वर्जन जनानी पोटीकर है। और ये गुलगुला कचोरी मनीषा कोइराला का मेल चबूतरा कचोरी गुलगुला। इधर ठाकुर की नजर अब अंगूरी की डाल पे है। तो बता कि उसके साथ सुहाग रात कौन मनाए? मैं तो सिर्फ शादी करूंगा। तो वो उसके साथ डाल डाल पात पात खेलने के लिए हग्गन को बोलता है। तो ये शादी को तू झटपट निपटा दे और हमारे लिए उसको हटा दे। शाबाश। और हग्गन अंगूरी को शादी के लिए ले जाता है, जहाँ ठाकुर और उसके चबूतरे दोस्त इसको थपड़िया के हवेली ले आते हैं, जहाँ पहले ये इन चबूतरों की सुताई करती है। और वही सीढ़ी पे खड़ा हग्गन अपने केले का छिलका फेंक देता है और अंगूर के फिसलते ही ठाकुर 2 सेकंड की मॉक ड्रिल करके झड़ जाता है। शाबाश। तो ये शादी को तू झटपट निपटा दे और हमारे लिए उसको हटा दे। माइक धर। सजा मिलेगी तुझे, गांव की पंचायत तुझे सजा देगी। अब पंचायत में ठाकुर अंगूरी को नकली की इज्जत लूटने के इल्जाम को झूठा साबित कर देता है। अंगूरी कल मेरी हवेली में आई थी, मुझसे कहने लगी कि ठाकुर साहब मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है, उन पैसों के बदले में आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए। Oh, no. ये लीजिए सरपंच साहब, पूरे 2000 रुपए अंगूरी की झोपड़ी से मिले। हाँ। टट्टा सरपंच, लेकिन जो पापी हो वो पहला पत्थर मारे की सजा देता है। गाँव वालों उठाओ एक एक पत्थर। तो सबसे पहला पत्थर मैं मारूंगा। विद टर्म्स एंड कंडीशन, या गाँव का कोई भी आदमी तुझसे शादी करके तेरी मांग में सिंदूर भर दे तो हम तुझे जीने का मौका देंगे। वहीं ये सब भूतियापा खलीहड़ गुलगुला कचोरी देख रहा होता है। रुक जाओ, इसको कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। और अंगूरी से हाथों हाथ शादी कर लेता है। अब इस भरे हुए गुलगुले से रहा ही नहीं जा रहा। आप मेरे लिए भगवान हैं। मुझे इंसान ही रहने दो और इंसानों की तरह सुहाग रात मनाने दो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लड़की अभी अभी ठाकुर के मॉक ड्रिल की शिकार हुई है, लेकिन इसे अभी ही अपनी कचौड़ी तलनी है। हर की लोमड़ा और इंसानों की तरह सुहाग रात मनाने दो। यहाँ ये अपनी कचौड़ी का मसाला निकाल रहा होता है कि उधर कार चलाते हुए हीरा मेंढी इसके गुलगुले के साथ सपने में गीली हवस का नंगा नाच करती है। और गीलापन महसूस होते ही गाड़ी के साथ खाई में गिर जाती है। हीरा की कार एक पेड़ से टकराकर 1000 फुट गहरी खाई में गिर गई और उसकी कार में आग लग गई और उस आग में हीरा भी। ओह गॉड। अब यहाँ 7 साल हो गए और गुलगुले कचौड़ी का ढोकले जैसा बच्चा भी हो गया है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, अब देखते ही देखते हमारा बेटा अमर कितना बड़ा हो गया। और तभी हीरा मेंढी डार्क नाइट में टू फेस बन के आ जाती है। तुम जिंदा? हाँ मैं जिंदा। और अंगूरी को गोली मार के उसका सही पकड़े है निकाल देती है, मगर अंगूरी भी हीरा की मेंढी फाड़ देती है। और यही ढीला गुलगुला तमाश बीन बन के अपनी बीन गोदाम के बीच दबा के देखते रहता है। यहाँ मरते मरते हीरा मेंढी अपना एंडी पड़ाण बताती है। मरने के बाद भी भूत बनकर शंकर को मार डालूंगी, अब मैं भी भूत बनकर तेरा पीछा करूंगी और अपने शंकर की रक्षा करूंगी। और पहले हीरा और फिर अंगूरी हाथों हाथ अब खोलो सर्कस की फटी थुथनिया की हो हिस्त्री भूतनिया बन जाती है। अब गुलगुला कचौड़ी अपने ढोकले बेटे के साथ हवेली में आ जाता है। अंगूरी, मैं तुम्हारी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। जहाँ का कब्र में गोदाम लटकाया चौकीदार गुलगुले को हवेली सौंप के चला जाता है। मेरा आखिरी वक्त आ गया है, चाबी लो। और पता चलता है ये हवेली ठरकी ठाकुर खड़लुल्ला की है। ये हवेली का मालिक है कौन? जहाँ ठाकुर अपने ठरकी दोस्तों के साथ फिर 2 सेकंड का प्रोग्राम बनाने आया है। सुना है वीराने में डूबी हुई हवेली में भूत होते हैं। सबसे बड़े भूत तो हम ही हैं। हम लोगों का चेहरा भूत देखेगा तो उसका मुंह निकल जाएगा। ये इस गधे के गोबर के उपले ने पहली बार सही बात की। हम लोगों का चेहरा भूत देखेगा तो उसका मुंह निकल जाएगा। बस एक लाइन ऐड नहीं की इनके मुंह पे। अब ये चबूतरे बच के तू रहना रे पे अपनी ढीली खलीसी हिला रहे होते हैं और गुलगुला कचौड़ी इन्हें मारने वाला होता ही है कि स्त्री अंगूरी आके इसे रोक लेती है। तुम इसका खून नहीं करोगे, इन लोगों से तो मैं और मेरा भगवान निपटेगा। अब यहाँ ठाकुर शीघ्र पतन होके सो रहा होता है कि अंगूरी इसको मारने आ जाती है। ठाकुर, ए ठाकुर। मैंने तो सुना था तू मर गई, मगर तू तो जिंदा है अंगूरी।
आ, मेरी बाहों में आ, बाजा, आ। मैं भी यही सोच रही थी, मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। अरे मदर जात, बहन मारने आई थी या इस हफ्सी बगंदर के सामने मुजरा करने? हाँ ये कर लो पहले। और आखिर ये अपना गेटअप चेंज करके इसको पेल देती है, पर बैंक को पता चलता है इस भैंसे की हफ्सी प्रजाति को सपन दोष हुआ था। अंगुली का भूत मार डालेगा, एक काम करते हैं, यहाँ से चले जाएंगे। चल, चल, चल। और ये फटी में भगता है पर दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये दरवाजा खोलो। और ये भोंदू गुलगुला ठाकुर से अपने ढोगले बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करने के लिए बोलता है। मेरा बेटा बिना दूध के मर जाएगा, कुछ करिए ठाकुर साहब, कुछ करिए। अब यहाँ हीरा मेंडी भूतनी भूतिया ठाकुर की रेचल में घुस जाती है। अगर मैं इस लड़की में घुसकर शंकर के बच्चे को दूध की जगह जहर पिला दूं तो बच्चा भी मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जहाँ ये ठाकुर चौथड़ इतनी फटी के बाद भी गेंद उठा के सोया हुआ है। और हीरा रेचल गुलगुले के ढोगले बच्चे को दूध पिलाने जाती है। ये तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, लीजिए बैठिए। जहाँ ये कचौड़ी अपने बच्चे को ठाकुर का झूठा दूध पिलाने मान भी जाता है। अब ये भोंदी भूतिया भूतनी दूध पे जहर की कोटिंग करके तो आई नहीं है, तो ये ढोकले का गला दबाने लग जाती है। और तभी ढोकला अंगूरी में बदल के इसकी बोडम फापड़ी फाड़ देता है। और दोनों फिर गधे की फटी गेंद जैसा गेटअप लगा के गुत्थम गुत्था हो जाती है। जहाँ दिखाए जाते हैं ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स कि एक बार को मार्वल के डिज्नी का जला हुआ हॉट स्टार फट जाए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अब ये गुल्लुली अचानक लड़ते लड़ते गायब होके झुंझुनी में अपना झुंझुना डालने की कोशिश करते हुए खप्पू सिंह का खप्पू तोड़ देती है। और यही बैंकॉक बीच में गुलगुले का ठाकुर की गर्लफ्रेंड मुरमुरी के साथ डांस नंबर भी दिखाया जाता है। बैंकॉक भूत के साथ कुछ भी भूतियाबा चल रहा है। हाथ लगाकर देख सकती हूँ। और बैंकॉक का भीरा गुलगुले के बच्चे में घुस के, अगर मैं इस बच्चे के अंदर छुप जाऊँ तो इस बच्चे को और शंकर को आसानी से मार सकती हूँ। गुलगुले की कचौड़ी तोड़ने लगती है। शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेकर रहूंगी। और अंगूरी फिर से रोक लेती है। मैं तेरे बच्चे के अंदर हूँ और तू अपने बच्चे को कभी नहीं मारेगी। शायद तुझे मालूम नहीं कि पति से औलाद होती है, औलाद से पति नहीं। मैं अपने पति के लिए अपनी औलाद का भी बलिदान दे सकती हूँ। और बैंकॉक अब इस चादर मौत भूतनी का फटी एड़ी में पड़ा 2 ग्राम का क्रैक हिल दिमाग काम करता है। और अंगूरी शंकर के प्यार में पागल हो गई है, वो शंकर के लिए अपने बच्चों को भी बलि दे सकती है। मुझे किसी और चीज में छुपना होगा। ये बॉल, इसे भी छुपती हूँ। देखो क्या चादर मौत की चल रही है। चादर मौत गेंद में कौन सा लोमड़ा भूत अपनी काली गेंद फिट करता है। मादर आज गाली निकलवा के ही रहेंगे। अब ये भूतनी का ठाकुर भूतिया गेंद की बकचोद गेंद पे लात मारता है। यहाँ तो कोई नहीं है, तो बॉल कहाँ से आ गया? चलो मैं भी थोड़ा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, अरे बैंकॉक नहीं सहा जा रहा। ये भूतियापा ढोकले बच्चे से भी नहीं सहा गया। ये भी भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान कुछ करो, मेरे बचपन के तो लव डे लग चुके हैं, बाकी का जीवन तो अंधकार में ही लग रहा है। और भगवान इस ढोकले और मेरी सुन लेते हैं और भाई को दिया जला के दे देते हैं। और ये 5 किलोमीटर दूर से दिया दिखा के इस फटी स्त्री की बोडम भूतिया गोदाम जला देता है। और अब अंगूरी भी अपने बासी अंगूर लेके गायब हो जाती है। मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पीछा करना तो तुम्हारी किस्मत बन गया है, और मरने के बाद तुम भूत बनकर भूत का पीछा करती रही, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और आखिर ये भूत के पीछे भूत इसकी माँ की जय। स्टोरी खत्म हो गई, सो जस्ट रिलैक्स। तो ये चादर मौत खूनी भूतिया बाबा सी आखिर खत्म होती है। आज तुझे ब्लैक डॉग पिलाता हूँ, तेरे अंदर का बैंकॉक भूत आराम से सो जाएगा। भाई लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और झिंगा लाला पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो दोनों चमकीली बॉडम स्त्रियां प्रेस करने सपने में आएंगी। भैया चखने में क्या है?